जेएनयू में पीएम मोदी पर बनी बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर जमकर बवाल हुआ। इस दौरान छात्रों के गुटों की ओर से पथराव होने के भी आरोप लगाए गए। हालांकि पुलिस की ओर से अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया गया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ब्रिटेन की मीडिया कंपनी बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री पर शुरू से ही सवाल खड़े हो रहे हैं। इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर ब्रिटेन में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों में आक्रोश है। लोग इसे बड़ी साजिश का हिस्सा बता रहे हैं और यहां तक कि जेएनयू में भी कल छात्रों ने जोर जोर से हुंकार भरी कि वो बैन लगाने के बाद भी इस मूवी की स्क्रीनिंग जरूर करेंगे। और वो चैलेंज देते हुए भी दिखाई दिए कि जिस पुलिस वाले और बीजेपी के जिस कार्यकर्ता में दम है वो उन्हें स्क्रीनिंग करने से रोक ले। तो आखिर ये बीबीसी डॉक्यूमेंट्री है क्या? ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर बीबीसी ने इंडिया द मोदी क्वेश्चन शीर्षक से दो पार्ट में एक सीरीज बनाई। इस सीरीज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शुरुआती दौर के राजनीतिक सफर पर बातें की गई हैं। वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के साथ उनके जुड़ाव और भाजपा में बढ़ते कद और गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उनकी नियुक्ति की चर्चा भी की गई है। पूरे सीरीज में सबसे ज्यादा चर्चा मोदी के मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात में हुए दंगों का किया गया है। भारत में ये सीरीज नहीं प्रसारित हुई लेकिन लंदन समेत दुनिया के कई देशों में इसे बीबीसी ने खूब चलाया और इसी को लेकर विवाद खड़ा हो गया। ब्रिटेन में बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री का जोरदार विरोध शुरू हो गया है। बीबीसी के खिलाफ बड़ी संख्या में भारतीय लोगों ने ऑनलाइन याचिकाएं दायर कर दी हैं। इसके अलावा ब्रिटेन में रहने वाले भारतीय मूल के लोग अब बीबीसी के सब्सक्रिप्शंस को भी कैंसिल करवा रहे हैं। इस सीरीज में नरेंद्र मोदी पर जमकर सवाल खड़े हुए, गोधरा दंगों की बात की गई और यहां तक कि अल्पसंख्यक समुदायों को लेकर भी बड़ी बात की गई। और यही वजह है कि जेएनयू के छात्र बड़ी बड़ी हुंकार भरकर इस मूवी को देखने के लिए लोगों से अपील कर रहे थे। यहां तक कि उन्होंने एक क्यूआर कोड भी जनरेट किया जिस पर क्लिक कर आप सीधे उस बीबीसी की सीरीज को देख सकते हैं जिसे भारत में प्रतिबंधित किया गया है। ब्रिटेन की ऋषि सुनक सरकार को अस्थिर करने की ये साजिश भी हो सकती है। ब्रिटेन में लंबे समय के बाद ऋषि सुनक की अगुवाई में स्थिरता आई है। ऋषि ने देश को कई तरह की संकट से उबरने का काम किया है तो वहीं सीधे तौर पर उन पर निशाना नहीं सकते। ऐसे में विपक्षी दलों ने यह तरीका अपनाया है। ऋषि सुनक ने कहा कि निश्चित रूप से हम उत्पीड़न को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, चाहे ये कहीं भी हो, लेकिन मैं उस चरित्र चित्रण से बिल्कुल सहमत नहीं हूं जो नरेंद्र मोदी को लेकर सामने रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, वी न्यूज़।